अच्छा स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने उसे स्मॉल पैचेस में जो डिवाइड किया है सरफेस को सफियर को हमने स्मॉल पैचेस में जब डिवाइड किया तो वो फ्लैट सरफेस के तौर पे एक्ट हो गई तो हम उसके सारे पैचेस को नंबर वन बाय वन जो है कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पैच के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी क्योंकि फ़्लक्स किसके इक्वल होता है इज इक्व टू ई डॉट ए तो यहाँ हम डेल्टा लिख लेंगे स्मॉल के लिए डेल्टा का कि किस लिए यूज हुआ है फॉर वेरी स्मॉल पैच ठीक है तो हम पास That, uh, is, uh, one, uh, हमारे पास क्या आ जाएगा दैट एरिया इज़ फार्मूला ऑफ फ्लक्स इज़ फॉर वन फ्लैट सरफेस हमारे पास फाइव ई वन इज़ इक्वल्स टू ई वन डेल्टा ए टू तो दूसरा जो पैच है आ, हमारे पास क्योंकि हमने एन नंबर ऑफ़ पैचेस में डिवाइड किया है ना इसको तो हर एक के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास फाइ जो है ई डॉट डेल्टा ए वन इसी तरह दूसरे पैच के लिए फाइव ई टू इज़ इक्व टू ई टू डॉट डेल्टा ए टू होगी दीज बोथ आर वेक्टर क्वान्टिटीज सो यू शुड प्लेस वेक्टर साइन ओवर इट जो मैंने सरफेस एरिया है उसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं डाला ये चीज़ आप नोट रखें और लेकिन जब वेक्टर एरिया की बात की है तो उसके ऊपर लाजमी वेक्टर का साइन आएगा और अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा आगे क्या है एंड सो ऑन हमारे पास इसी तरह फाइव थ्री होगा फाइव फोर होगा फाइव अप टिल फाइव एन होगा ठीक है और फाइव एन के लिए क्या होगा फाई ई एन इज़ इक्व टू तो ई एन डॉट डेल्टा ए एन होगा ठीक है ये हमारे पास आ जाएगी फ्लक्स की वैल्यू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज इज जितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है क्लोज सर्फिस में उन सारों को हम सम अप कर लेते हैं जैसे फाइव ई है फाई ई वन है फाइव ई टू है फाइव ई थ्री अप टिल फाइव ई एन है ठीक है फाइव ई जो है टोटल अब हर एक में उसकी वैल्यू पुट कर दें ई वन डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री होगा ई थ्री डॉट डेल्टा ए टू प्लस वन प्लस ई एन डॉट डेल्टा ए एन ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास अब हमने डायरेक्शन देखनी है अब देखें डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट का मतलब है कि यहाँ कॉस थीटा आना चाहिए ई डेल्टा ए कॉस थीटा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वैक्टर एरिया इज सेम एट ईच पैच हमने ये भी देखा कि अगर वो सफ़ियर है तो सफ़ियर में वेक्टर एरिया की अगर आउटवर्ड डायरेक्शन है तो ई e की भी आउटर आउटवर्ड डायरेक्शन है चार्ज प्ले क्यू जो है उसके सेंटर में प्लेस है और सारी डायरेक्शन में इक्वल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ़ फोर्स निकल रही हैं ठीक है और जो वैक्टर एरिया है वो हर एक जिस तरह के हमारे पास ये सफ़ीर है अब वेक्टर एरिया यहाँ पे भी जो होगा वो आप नॉर्मल होगा यहाँ पे भी नॉर्मल होगा हर एक ये इस पॉइंट पे भी नॉर्मल होगा अगर ये सेंटर में हमने इसको क्यूच और जो है उसको सेंटर में प्लेस किया हुआ है ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे अगर सेंटर में प्लेस है चार्ज तो वो ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी आउटवर्ड ड्रॉन होगी यहाँ पे भी आउटवर्ड ड्रॉन होगी हर एक पैच पे जो है जितने भी स्मॉल पैचेस में ए को डिवाइड किया है एरिया को हर एक पैच पे उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन होगी और ई e जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो तो निकल ही रही है आउटसाइड और उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड ड्रॉन होगी तो ई e और ए जो है वो इसका मतलब है वैक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे ए की भी ये डायरेक्शन है और ई e की भी यही डायरेक्शन है दोनों की सेम डायरेक्शन है ना तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल कितना होगा दोनों के दरम्यान में जीरो डिग्री का होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आपके एन सी क्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें अच्छा आप देखेंगे ड्यू टू सफेरिकल सिमिट्री एट द सर्फेस ऑफ सफियर हमने उसके सरफेस पे क्योंकि आपको पता है ई e की डायरेक्शन सारी जगह से एक जैसी ई e, जो है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज जो हैं या लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो सारी जगह से एक जैसी निकल रही हैं सफ़ियर के लिए सफेरिकल सिमेट्री की वजह से तो क्या होगा ई uh, वन जो है वो ई टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा इसी तरह ई थ्री के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा तो सारी लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसको जनरलाइज टर्म में ई e के इक्वल लिखते हैं और ई e की हमने देखा कि हमारे पास इसके ऊपर वैक्टर साइन आएगा इसके ऊपर वेक्टर साइन तो हमारे पास वन ओवर फोर पाई एफ नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर ये फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम तो अब क्या होगा ये फार्मूला है इसका ई e का जनरलाइज टर्म में हम इसको ई e लिख सकते हैं ई वन ई टू ई एन जो है अब ख़त्म हो गया हम इन सारों की जगह ई e लिख सकते हैं ये क्योंकि ये सब इक्वल है इंटेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन ऑफ सफियर ड्यू टू सफेरिकल सिमेट्री दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट अच्छा फाइव ई जो है अब हम देखें ये फार्मूला जो हमने ये फार्मूला है हमारे पास ई वन डॉट डेल्टा ए वन ई वन डॉट डेल्टा ए वन की जगह क्या लिख दिया ई वन डेल्टा ए वन कास थीटा डॉट हटा दिया तो हमने उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया ईवन डेल्टा ए वन कास थीटा जीरो डिग्री का हो गया क्योंकि ई इसके इन दोनों में भी जीरो डिग्री का है और ई टू डेल्टा ए टू में भी जीरो डिग्री का कॉस है सो ई टू डेल्टा ए टू कॉस जीरो डिग्री अप टिल ई एन ए एन डॉस जीरो डिग्री सबके लिए एन तक हमारे पास जो एन स्मॉल पैचेस हैं वहाँ तक हमारे पास सब के लिए ज़ीरो डिग्री का एंगल होगा क्योंकि हर तरफ मैंने आपको बताया सफ़ियर है तो सफ़ियर के सारी डायरेक्शन में क्या है एरिया जो है आउटवर्ड रॉन पर पेंडिकुलर है ठीक है स्मॉल पैच के इसी तरह ई भी है ई भी सारी डायरेक्शन में आउटवर्ड रॉन है तो दोनों आपस में पैर हैं फॉर ऑल पैच अब फाइव ई जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या आ गया ई वन डेल्टा कॉस ज़ीरो आपको पता है कॉस ज़ीरो वन होता है तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया ई वन डेल्टा ए वन ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई एन डेल्टा ए एन ये चीज़ आपको पता ही है cos थीटा जो है अगर ज़ीरो डिग्री है तो कॉस ज़ीरो वन होता है अफ जो है वो हमारे पास क्या है ये हमारे पास आ, हमने क्या किया अब हमने ये कहा कि ई वन ई टू ई थ्री अप टिल ई एन के इक्वल है और उसको जनरलाइज टर्म में ई e कह सकते हैं हम तो जहाँ जहाँ ई e आपको नज़र आया ई वन ई टू ई एन हम यहाँ पे सिंपल ई e लिख सकते हैं हाँ इसका जो सब्सक्रिप्ट है वन टू अपिल एन इसको हम हटा देंगे ठीक है तो इसकी जगह हम ई e लिख देंगे और इसकी जगह भी ई लिख देंगे सारों की जगह ई एन इसकी जगह भी ई लिख देंगे ठीक है तो ये आ जाएगा तो इसका मतलब ई तो हम कॉमन ले सकते हैं ना ई तो इक्वल है इक्वल टर्म को कॉमन ले लेंगे अंदर क्या रह जाएगा इक्वेशन के डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अपिल डेल्टा ए एन ये अंदर रह गया इस इक्वेशन के अब ये क्या है टोटल एरिया है और सुफेरिकल सर्फेस यह जितना भी एरिया है वो सफ़ियर का टोटल एरिया है तो टोटल एरिया ऑफ सफ़ीर जो है या सफ़ेरिकल सरफ़ेस जो है हमारे पास वो कितना आता है फोर पाई आर स्क्र ये आता है हमारे पास